Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen some practice time questions. Today's video we are going to see some more questions. D. A square carom board has a perimeter of 320 cm. How much is its area? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या find out करना है? Perimeter दिया गया है, उससे हम लोगों को area जो है वो find out करना है. अब पैरामीटर की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होती है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैरम्बर, कैरम्बर जो है वो स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के पैरामीटर जो है वो है 4 × लेंथ. तो ये फॉर्मूला है स्क्वायर के लिए. अब वो हम लोगों को दी गई है 320 cm इज इक्वल्स टू 4 × लेंथ. और विथ कुछ भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है हम लोगों के पास जो शेप है वो. सो हम लोगों को फाइंड आउट करना है सबसे पहले लेंथ. लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जो है वो एरिया उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 320 / 4 इज इक्वल्स टू 80 cm. तो ये हो गई हम लोगों के पास लेंथ. अब उससे हम लोग जो है वो एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया जो है वो कितना होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि 80 × 80. सो 6400 cm². तो इस तरह से हम लोगों को जो है एरिया मिल सकता है. ये था हम लोगों के पास जो स्क्वायर है कैरम बोर्ड उसका एरिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन. तो अगर हम लोगों को ये जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाइट एरिया दिया गया है. अब अगर आप लोग इसको गौर से नोट डाउन करें तो ये जो है वो पूरे स्क्वायर का आधा हिस्सा हो जाता है. यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से जॉइंट कर ले, बाकी का पार्ट जो है वो पूरा कर लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर हम लोगों को मिल जाता है स्क्वायर शेप. तो उसमें से ट्राइंगल जो है वो आधा हिस्सा कवर करता है, यानी कि 1 square cm अगर इसका एरिया हो तो ये कितना होता है 1/2. अब क्या पूछा क्या गया है कि टाइल्स लाइक द ट्राइंगल्स गिवन हियर. तो ये जो है इस तरह की कितनी लाइन टाइल्स जो है, कितने डिज़ाइन जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले तो ये वाला जो बॉक्स है उसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा. और उसके लिए आप लोगों को लेंथ जो है वो मालूम होनी चाहिए, विथ जो है वो मालूम होनी चाहिए, सॉरी लेंथ जो है वो मालूम होनी चाहिए एंड विथ जो है वो मालूम होनी चाहिए. तो वो फाइंड कर लेंगे तो आप लोगों को एरिया मिल जाएगा. एरिया के अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसका कितने डिज़ाइंस यूज होंगे वो फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं हम लोगों के पास, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये पूरा स्क्वायर है, इसमें टोटल 2 जो हैं ट्राइंगल यूज हुए हैं. सो टोटल 6 ट्राइंगल्स हैं. तो जितना भी एरिया आता है उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर लेंगे तो उतनी जो है वो वाइट डिज़ाइन हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी. अब एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो ये जो है डिज़ाइन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 1/2 देन 1/2. सो 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2 प्लस ये जो है 1/2 प्लस 1/2. सो टोटल 3 cm जो है, 3 square cm इसका एरिया जो है वो कवर होता है. तो ऐसे सपोज यहाँ पे 3 डिज़ाइंस आते हैं तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9 square cm जो है डिज़ाइन का एरिया आएगा. यहाँ पे आप लोगों के पास हिंट दी गई है, दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैंने बताया आप लोगों को सेम वही. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक योर ओन डिजाइंस ऑफ एरिया 4 and 6 square cm. तो वो आप लोगों को खुद से बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सनाया आरुषि मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स. तो हम लोगों को यहाँ पे जो है चार फ्रेंड्स हैं, चार दोस्त हैं, सानिया है, आरुषि है, मानव एंड कबीर. तो ये चारों दोस्तों ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं. उस कार्ड्स का यूज़ करके हम लोगों को
टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, कुछ हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। अब सानिया के लिए लेंथ एंड विड्थ दी गई है, तो उससे हम लोग पैरामीटर एंड एरिया जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया कौन सा शेप हो जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल? यस, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता तो लेंथ एंड विड्थ जो है वो दोनों सेम हो जाती। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, यानी ये रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर के लिए फॉर्मूला कौन सा है, 2 × l + b और 2 × length + width। एंड एरिया के लिए अगेन आप लोगों के पास फॉर्मूला जो है वो है length into width। सेम वे सारे जो हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास विथ नहीं दी गई है, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास पैरामीटर जो है वो दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग विथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कैरम बोर्ड के लिए किया था, जो पैरामीटर दी गई थी उसके ऊपर से हम लोगों ने एक साइड जो है उसका मेजरमेंट फाइंड आउट किया था। यहाँ पे भी आप लोग सेम वे में मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट। टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 cm एंड विथ 9 cm। यह आप लोगों को क्या करना है कि 14 cm लेंथ की एक पेपर शीट लेनी है एंड 9 cm जिसकी विथ हो, चौड़ाई जो है वो 9 cm हो। यू कैन ऑल्सो यूज द ओल्ड पोस्ट कार्ड्स। आप लोग जो पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, आप लोगों ने कभी देखा होगा ये पता नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो जानते हैं पोस्ट कार्ड कैसे आते हैं, तो वो पोस्ट कार्ड आप लोग वो भी पुराने हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ इज इट्स एरिया, सॉरी व्हाट इज इट्स एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा। तो एक जो शीट जो है उसकी लेंथ एंड विथ, तो एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। सो लेंथ इंटू विथ, सो 14 × 9, उसका जो भी आंसर आता है वो हम लोगों के पास हो जाएगा उसका पैरामीटर, सॉरी वो हो जाएगा उसका एरिया। तो वो होगा 14 × 9, यानी कि 126। सेम वे पैरामीटर, 2 × length + width। नाउ कट स्ट्राइप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। तो इसमें से हम लोगों को इक्वल साइज की स्ट्राइप्स जो है वो कट आउट करनी है। यूजिंग टैप जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड। तो जो स्ट्रिप्स हैं, जो आप लोगों ने इक्वल स्ट्रिप्स कर ली हैं, उस इक्वल स्ट्रिप्स को आप लोगों को एंड बाय एंड जॉइन करनी है। आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, ये स्ट्रिप है उसको एंड बाय एंड जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट। तो आपका बेल्ट जो है वो कितना लंबा हो जाएगा एंड व्हाट इज इट्स पैरामीटर। वो बेल्ट होगा उसके पैरामीटर भी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। सबके बेल्ट सेम ही होंगे, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने सेम साइज एंड सेम लेंथ एंड विड्थ के पेपर शीट जो है वो ली थी, इसलिए। अब ये जो है दोनों क्वेश्चन, बेल्ट के पैरामीटर एंड उसके लेंथ, वो आप लोगों को वो बेल्ट बनाना है, फिर उसके बाद आप लोगों को वो मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्कशन वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।